दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम ने दो शख्स जिनका नाम शाकिर एलियाज समीर एलियाज राजेश है और दूसरा लड़का जिसका नाम फैजल है, इनको पकड़ा है। और एक मर्डर केस जो 10 महीने पुराना है, ब्लाइंड मर्डर केस है, उसको सॉल्व किया है। हमारे पास एक मुखबर खास के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक शख्स जिसने जिसके पास हथियार है, देसी कट्टा है और साथ में उसके पास चोरी की गाड़ी है, और ये एक इंफॉर्मेशन है कि इसने कोई मर्डर की वारदात की हुई है, क्योंकि ये बहुत जगह ये बताता फिरता है कि मैंने एक मर्डर भी किया है। तो ये हमारे यहाँ मॉरिस नगर एरिया में जो बोंटा पार्क एरिया है वहाँ पर आएगा। हमने ट्रैप लगाया और इसको पकड़ लिया। दौरान तफ्तीश इसने बताया एक सुशीलावती नाम की लेडी जो कि इसके साथ इसने ज़मीन का एक उसके साथ सौदा किया था, सुशीलावती की ज़मीन जो कि 25 लाख में सौदा हुआ और 1.5 लाख रुपए बयाना इसने दिया। उसके बाद में इसके मन में आई कि ये ज़मीन मैं हड़प लूँ, इसको कब्जा कर लूँ। तो बातों बातों में इसने एक साजिश रची, लेडी को बुलंदशहर जाके वहाँ इसने मर्डर कर दिया। बड़े खुफिया तरीके से इसने और बड़े शातिर तरीके से ये जो शाकिर है इसने ये वारदात को अंजाम दिया है। अपनी नकली आइडेंटिटी बना के एक हिंदू नाम से इसने एक गाड़ी एक स्कूटी को खरीदी। स्कूटी और गाड़ी दोनों की एक किश्त देने के बाद में इसने EFIR जो हमारी होती है चोरी की वो दिखा के ये बना दिया कि ये गाड़ी चोरी हो गई है। लेडी के साथ इसने अपना नाम समीर बताया जो कि इसका असली नाम शाकिर है। उसको जब वहाँ पर जाके मारा तो इसने ये इंश्योर किया कि अगर कहीं किसी CCTV फुटेज में ये गाड़ी का नंबर आ भी जाए तो ये गाड़ी तो इसने चोरी दिखाई हुई है, तो ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ कि ये गाड़ी कहाँ है कैसे है। इसके पास से हमें एक देसी कट्टा, 2 राउंड इसके पास और 2 इसके साथी के पास मिले हैं। इसके घर में जो कि इसने वो लेडी का जो डिजीज का घर कब्जा किया है उसमें लेडी के और भी घरों के जो कि जहांगीरपुरी में है फ्लैट्स हैं उनके कागजात मिले हैं। इस पे आगे अभी तफ्तीश जारी है और जो मेन जो हमारे टीम है जिसने ये अच्छा गुड वर्क किया है उसको हम रिवार्ड कर। जो शाकिर है इसने TV पे एक चार्ल शोभराज जो क्रिमिनल रहा है उसकी एक वीडियो देखी और इसने उसी के चलते एक प्लान किया कि जो भोली भाली लड़कियां हैं गलीबल जो कि इसकी बातों में आ जाएंगी उनको ये धोखाधड़ी कर सकता है। इसी तरीके से ये एक मर्डर की हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और आगे तफ्तीश जारी है कि कोई और भी ऐसे इस तरीके से विक्टिम हो जिनको कि इसने धोखा दिया है। दौरान तफ्तीश ये पता चला है कि ये दोनों ने शाकिर और फैजान ने इस लेडी को जब 3 मार्च 2022 को मारा बुलंदशहर जाके, उसके बाद इसकी मिसिंग दिल्ली के दयालपुर थाने में लॉज हुई। उसके बाद में जो डेड बॉडी है वो 12 तारीख को उसकी FIR 302-201 में थाना चोला बुलंदशहर में लॉज की गई। जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी का उन्होंने सारी कार्रवाई जो जिपनेट वगैरह और हर जगह डाली लेकिन ये बॉडी का नहीं पता चला। कोर्ट के थ्रू 365 का मुकदमा दिसंबर 2022 में दयालपुर थाने में लेडी के जो डिजीज्ड है ब्रदर के कंप्लेंट पे दर्ज हुआ, लेकिन ये ब्लाइंड केस रहा। हमारी तफ्तीश के दौरान जब ये खुलासा हुआ तो ये जो दोनों केस हैं ये भी खुले, जो इसकी स्कूटी और जो कार चोरी है ये 2 केस और खुले हैं, और जो नकली दस्तावेज बना के जो इसने किया है तो इसका एक मॉरिस नगर का नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का थाने का केस ये भी खुला है।